क्या सनी देओल को मथुरा से टिकट देगी बीजेपी? गुरदासपुर लोकसभा सीट पर फंस गया नया पेच। क्या बेटी की खातिर माँ हेमा मालिनी का कटेगा पत्ता? जनता ही नहीं कार्यकर्ता भी है ड्रीम गर्ल से नाराज। मोदी शाह की पॉलिसी में अब फिट नहीं बैठती हेमा मालिनी, क्या धर्मेंद्र के घर में छिड़ेगी सियासी जंग? क्या गदर 2 की अपार सफलता के बाद सनी देओल का सियासी प्रदेश? क्या सनी देओल को मथुरा से टिकट देगी बीजेपी? गुरदासपुर लोकसभा सीट पर फंस गया नया पेच। क्या बेटी की खातिर माँ हेमा मालिनी का कटेगा पत्ता? जनता ही नहीं कार्यकर्ता भी है ड्रीम गर्ल से नाराज। मोदी शाह की पॉलिसी में अब फिट नहीं बैठती हेमा मालिनी, क्या धर्मेंद्र के घर में छिड़ेगी सियासी जंग? क्या गदर 2 की अपार सफलता के बाद सनी देओल का सियासी प्रदेश बदलने वाला है? उन्हें पंजाब के गुरदासपुर की बजाय यूपी के मथुरा से टिकट मिलने वाला है। इस दावे के पीछे आधार क्या है, हम आपको अगले 60 सेकंड में पूरी कहानी समझाते हैं। सनी पाजी पंजाब से हैं, पर फेमस पूरे देश में हैं। बावजूद इसके 2019 चुनाव में बीजेपी ने उन्हें गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़वाया और वो सांसद बने, लेकिन उनके सांसद बनने के 3 साल बाद सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और गुरदासपुर सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे, जिन्हें सनी पाजी ने 82,000 वोटों से हराया था। मतलब मोदी लहर और सनी पाजी के स्टारडम के बावजूद सुनील जाखड़ को वोट कम नहीं मिले थे। फिलहाल बीजेपी ने सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। ऐसी चर्चा है कि जाखड़ को गुरदासपुर सीट से टिकट मिल सकता है, क्योंकि वो उनका गढ़ भी माना जाता है और अगर सनी पाजी साथ में प्रचार कर दे तो बीजेपी के लिए वो सीट सुरक्षित हो जाएगी। फिर सवाल है कि सनी पाजी मथुरा क्यों आएंगे? तो भैया मथुरा से मौजूदा सांसद हैं उनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी, जिनसे मथुरा की पब्लिक सबसे ज्यादा नाराज है और उसके कई कारण हैं, जिनमें से 3 हम आपको गिनवाते हैं, फिर बताते हैं हेमा मालिनी खुद का टिकट कटने के सवालों पर क्या कहती हैं। पहला कारण, यमुना नदी की सफाई के लिए उन्होंने कोई खास इंतजाम नहीं किया, जबकि मोदी सरकार नदी संरक्षण पर जोर दे रही है, वहां का पुजारी समाज इस बात से नाराज है। दूसरा कारण, श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास इस्लाम नगर में जब बुलडोजर चला तो दूसरे समुदाय के लोगों को उम्मीद थी कि हेमा मालिनी आएंगी, बतौर हीरोइन भी हर समुदाय के लोग उन्हें पसंद करते हैं, पर वो पहुंची ही नहीं। सैकड़ों वोटर्स ने कहा कि इस बार हेमा मालिनी को नहीं चुनेंगे, वो अलग बात है, योगी ने ही बुलडोजर भेजा था। तीसरा कारण, अक्टूबर 2019 में मथुरा में प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, हेमा मालिनी मथुरा गई पर 35 मिनट में ही कार्यक्रम निपटा कर चली आई, न तो कार्यकर्ता से कोई खास मुलाकात की न ही लोगों से बातचीत की। ये बात हेमा मालिनी को भी अच्छे से पता है कि कार्यकर्ताओं के बिना सियासी लड़ाई नहीं जीती जा सकती, इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कहीं और चुनाव लड़ने वाली हैं, तो कहती हैं कि पार्टी चाहेगी तो मथुरा से ही लड़ूंगी, कहीं और से नहीं। लेकिन अगले साल तक हेमा मालिनी की उम्र 75 साल हो जाएगी और 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट ना देने का फैसला खुद मोदी ने किया था, इसीलिए हो सकता है धर्मेंद्र पाजी के घर में एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो जाए। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि सनी देओल की अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी से अच्छी नहीं बनती, यहाँ तक कि सनी देओल के बेटे करण देओल की बीते दिनों जब शादी हुई तब हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा आहाना को न्योता तो मिला लेकिन वो शादी में नहीं गई। उससे पहले जब ईशा और आहाना की शादी हुई थी तब सनी देओल और बाबी देओल भी नहीं गए थे। हालांकि गदर 2 रिलीज होते ही इस परिवार के गिले शिकवे दूर होते दिख रहे हैं। ईशा देओल ने अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ में गदर 2 की स्क्रीनिंग रखी तो सनी देओल और बाबी देओल दोनों भाई पहुंचे, दोनों ने ईशा के साथ फोटो क्लिक करवाई, जिसके बाद से ये कयास लग रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर बनी प्रेम कहानी ने भाई बहनों के गिले शिकवे दूर कर दिए। पर परिवार में सियासत आ जाए तो तस्वीर क्या होती है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको भी लगता है गदर 2 के हिट होने का फायदा बीजेपी उठाएगी और सनी देओल को गुरदासपुर की जगह मथुरा से टिकट देगी? तो कमेंट कर बताएं। अगर आप मथुरा से हैं तो ये जरूर बताएं कि आप अपने यहाँ का सांसद सनी देओल को देखना चाहेंगे या हेमा मालिनी के काम से कितने खुश हैं।